Hi students, welcome to virtual class of Municipal Corporation of Greater Mumbai. I am Sri Kumar. The class is for 8th standard students. Subject is mathematics. Let me begin the class. Dear students, we are getting into a new chapter which is named as Discount and Commission. Discount is a very common term which you hear during the festive season, and you get some concession in the rate of the item. So discount ek common term hai, aapko malum bhi hai, and commission is also, but both these are connected with the percentage concept, percentage of discount, percentage of commission. So it is expressed always in percentage. Isliye discount and commission ki lesson samajhne ke liye आपको उसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको परसेंटेज को रिवाइज करना पड़ेगा. ओके, परसेंटेज को रिवाइज करना पड़ेगा, तो मैं वो पहले करता हूं. लेट अस रिकॉल, हियर इज अ प्रैक्टिस फॉर परसेंटेज. 12 अपॉन 100, वी नो दैट 12 अपॉन 100 मींस 12%, written like this. This is 47% means 47 upon 100. We know that. This is 86 upon 100. 4% of 300 means 300 into 4 upon 100, which will be equal to 12. 15% of 1700. So you'll write 15% of here. Here also you will cancel this. You have to multiply 17 with 15 to get the answer. This is equal to 85 and 7 over here. 5 and 8 sevens are 15 to 55 you will write. Understood? This way we studied about percentage last year. We know to calculate 15% of 1700. Also we know how percentage is expressed. This knowledge is required. Now we will go for a sale, monsoon sale, up to 50% discount. Okay, let us understand that. For that, a real situation. Sale of month, a mahine ka, do mahine ka diya hai. Cost price of sari, selling price, profit on each sari, number of sari sold, and total profit. Month is June, price of sari is 200, cost price, jo dukandar ne liya hai. Selling price is 250, that means 50 rupees profit. 40 saris bech diya, total profit is 2000 per sari, 50 rupees profit hai. Lekin July mein discount diya to 250 selling price se 230 kar diya, 20 rupees kam kiya, to 30 rupees ho gaya profit naturally. To lekin interesting baat, idhar sale badh gaya, discount diya na, sabko discount ke piche hai, 3000 rupees ka profit hua. To discount dene se शॉपकीपर को सेल बढ़ता है, ऐसा कुछ इंडिकेशन है उधर. अच्छा है, इट इज गुड. डिस्काउंट के बारे में हम भी स्टडी करेंगे कुछ प्रमोशन के लिए. नाउ समथिंग बेसिक अबाउट हाउ थिंग्स आर सोल्ड इन द शॉप और द मार्केट. हर एक आइटम इज हैविंग इट्स ओन प्राइस टैग. प्राइस टैग बिना कुछ भी आइटम नहीं. जो प्राइस लिखा है उसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं. हर चीज के ऊपर प्राइस लिखा होगा उसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं. और शॉपकीपर वो मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देता है. सपोज मार्क्ड प्राइस जिसको हम एमआरपी लिखा होगा 400 रुपीस, शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर 20% डिस्काउंट दे रहे, मतलब 100 रुपीस के लिए 20 रुपीस का डिस्काउंट देंगे. तो हमको मालूम है 400 के लिए 4 टाइम देंगे, 80 रुपीस डिस्काउंट देंगे. 400 माइनस 80, 320 में आपको सामान मिलेंगे. मैं ज्यादा ही जंप किया क्या? ठीक है, तो डिस्काउंट देते हैं. तो वो डिस्काउंट मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट की डिफरेंस है.
डिस्काउंट, तो मार्केट प्राइस से डिस्काउंट माइनस करेगा, जैसे 400 से 80 माइनस किया तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेंगे। ये डिस्काउंट कितना डिस्काउंट ही पूछना अलग बात, परसेंट ऑफ डिस्काउंट पूछना अलग बात। नॉर्मली बाहर बोर्ड लगाया होगा परसेंटेज में, और अंदर जाने के बाद जब सामान लेगा उसका डिस्काउंट मालूम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 20% डिस्काउंट का मतलब यह है कि जिसका मार्केट प्राइस है अगर 100 है तो 20 रुपीज कम करेंगे और 80 में मिलेंगे। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उसका डिस्काउंट हमको 80 रुपीज मिला। चलो ये फॉर्मूला में डाल के देखता हूं, 20% डिस्काउंट देने वाला है। और डिस्काउंट कितना है कैलकुलेट करने जा रहे, मार्केट प्राइस कितना लिखा था 400, सो वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपने पढ़ा है 100 इंटू डी इज इक्वल टू 20 इंटू 400, डी इज इक्वल टू 20 इंटू 400 अपॉन 100, कैंसिल करो 80 रुपीज मिला ना, 80 रुपीज डिस्काउंट इज इक्वल टू 80 रुपीज। हमारा केस पहले का मतलब इसके पहले जो हमने किया, अंडरस्टूड? सो दैट वे वी कैन हैव डिस्काउंट ऑन आइटम्स, डिस्काउंट इज ऑलवेज इन परसेंटेज। चलो एक दो तीन सिचुएशन देखता हूं। मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 360, बुक के ऊपर लिखा है 360 रुपीज, बड़ा क्लास का होगा, गाइड होगा, गवर्नमेंट का बुक कितना प्राइस नहीं है, या कुछ बड़ा बुक होगा। शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर 306 रुपीज, शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर 306 रुपीज, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट डिड द शॉपकीपर गिव? तो हमको क्या दिया है, मार्क्ड प्राइस दिया है, कितना दिया है 360। फिर क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, कितना दिया है 306। इससे हमको क्या मालूम पड़ेगा, डिस्काउंट मालूम पड़ेगा 360, ओ जीरो भूल गया, माइनस 306, 54 रुपीज उनको डिस्काउंट दिया है, कम किया है, दैट इज अ डिस्काउंट। पूछा है परसेंट ऑफ डिस्काउंट, 100 का होता है तो कितना देता था, दैट इज अ परसेंटेज। सो वी हैव डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट, बट द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज टू कैलकुलेट व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंटेज मीन्स इफ मार्केट प्राइस अगर 100 है तो डिस्काउंट कितना है, दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन। तो हम एक रिलेशनशिप बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस, वही रेशियो में रहेगा ना, वो भी एक्स अपॉन 100, एक्स कितना है 100 के लिए। तो इन दिस केस वी विल राइट, वी नो द डिस्काउंट इज 54 एंड मार्केट प्राइस इज 360, एंड इफ दैट इज द केस एक्स विल बी द डिस्काउंट इन द केस ऑफ 100, एंड वी डू 360 इंटू एक्स इज इक्वल टू 54 इंटू 100, एक्स इज इक्वल टू 54 इंटू 100 अपॉन 360, जीरो कैंसिल करेंगे, 10 से डिवाइड हो गया, 6 6 6 6 आर 36, 9 6 आर 54, और 9 इंटू 10 90 अपॉन 6 which is equal to 15. So, if it is 100, you will be giving rupees 15 discount, that is discount percentage is 15%, because 100 mein calculate kiya humne. Understood? This is a technique of solving the situation. 15% discount diya hai. 100 mein kitna hai, wahi percentage hai. Understood? This technique we can use for solving it. One situation. Let us go for another situation. What is another situation? The marked price of a chair is rupees 1200. Chair ka price. And the shopkeeper is selling it at 10% discount. You are asked to calculate the discount and selling price. So 10% discount bolne ka matlab 100 rupees ke liye 10 rupees kam karenge. तो 1200 रुपीस अगर प्राइस है, मार्केट प्राइस है, कितना कम करें, देयर इज अ क्वेश्चन। सो देयर आर मोर देन वन वे टू सॉल्व दिस। व्हाट वी हैव गॉट इज
discount and marked price. These are the two aspects. So let me write, the marked price is equal to 1200 rupees. Okay, then discount jo diya hai, discount is equal to 10%. ये दोनों बात हमको दिया है, तो हम उसका एक रेशियो लिख के रखेंगे। रिलेशनशिप कैसे लिखना चाहते हैं, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस तैयार करें। डिस्काउंट कितना दिया है, 10%। These are the two things given, market price and the discount percentage is given, not discount. So discount percentage diye to turant hamare man mein kya aayega, if it is the price of if market price is equal to 100, then the discount will be of 10 rupees, correct? That means डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस अगर हम लिखना चाहते हैं, तो 100 के केस में हम 10 अपॉन 100 लिखेंगे, और मार्केट प्राइस जब 100 के जगह पे 1200 है, तो डिस्काउंट कितना है अभी हमको मालूम नहीं, बिकॉज वही तो पूछा है। सो वील डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेट अस पुट इट एज एक्स। तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 into 1200. X is equal to 10 into 1200 upon 100. ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा. You get 120 rupees as the discount. Understood? This way you can complete that. And when find out the discount given for that item, which is chair, which is having a mark price of 1200, the discount given is 120 rupees because the discount is 10%. There is another way of doing this. Suppose mark price is equal to 100, discount percentage is 10, that means selling price will be equal to 90. So if you are making a relationship of selling price upon mark price, we will say 90 rupees if it is 100, and how much it would be if it is 1200. Aisa bhi solve kar sakte hai. Mark price 100 hai to 90 mein bhejega, kyunki 10% discount hai. To 1200 kitne mein bhejenge? Cross multiplication, 100 into x is equal to 90 into 1200. So x is equal to 90 into 1200 upon 100. Cancelling this, we get 12 into 90, or 90 into 12. $1080 is the selling price. And what is the original price? 1200. So this is a marked price, 1200. Selling price, 1080. What is the discount? The difference of that, which is equal to 120 rupees. Understood? This way also we can calculate. We can calculate here also, if it is discount is 1120, we simply write which is equal to 1080. So there are two ways by which you can get the answer. Let us try another question. Question can come in any format, but basically everything is connected with how you apply the relationship between selling price, cost price, discount percent, and discount. There is a ratio to be developed, a relationship to be found. Here is a question. After giving a discount of 20%, a saree is sold for rupees 1120. Find the marked price of the saree.
उल्टा भी पूछते, मार्केट प्राइस हमको पूछते हैं जो दुकानदार के हाथ में था, लेकिन क्या दिया है, 20% डिस्काउंट दे रहे, और 20% डिस्काउंट देने के बाद साड़ी का प्राइस है 1120। आई विल मेक इट सिंपल, यू कैन स्पेंड योर ऑन टाइम ऑन दैट, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन, इफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100, देन द सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 100 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 80 रुपीज। दिस मच वी नो वेरी थॉरली नाउ। That means if I try to convert that into the relation or ratio, if I say if selling price upon market price, if this relationship I am trying to write, selling price is equal to 80 rupees if market price is equal to 100. Now, the same relationship can be applied in the real selling. The selling price is given as 1120 rupees and we are asked to find out, we are asked what is the market price. So this relationship we will continue, where selling price, if it is 1120, what is the market price? Again, we will cross multiply here, 80 into market price, which can be written as X also, is equal to 100 into 1120. रेस्ट इज सिंपली मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, वो तो आप एक्सपर्ट है उसमें, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंड गेट द आंसर। एंड एज आई हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड टू नो दैट व्हाट इज द आंसर, हियर इन दिस केस द आंसर इज रुपीज 1400। यू कैंसिल दिस एंड यू विल गेट इट। That means साड़ी का MRP जो उसके ऊपर चिपकाया है वो क्या रहेगा, 1400। 20% डिस्काउंट अपना दीपावली का सेल में दिया है तो वो 1120 रुपीस में बेच रहे हैं। We got the picture clear। शॉपकीपर को भी अच्छा मैथ्स मालूम होना मांगते, नहीं तो उनका दुकान नुकसान में जाएगा। इसलिए this is an integral part of a business, that how to make profit. For that you should have concept of discount, concept of commission to those who are bringing the items to the shop, selling price and other expenditures. Another question, let this be the last for you. A shopkeeper decides to sell a certain item at a certain price. वो भेजना चाहते हैं हमको, आइटम भी नहीं दिया है, कुछ तो भाव में भेज रहे हैं, भेजने दो। ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडर प्राइस बाय 30%। ओ, उन्होंने जितने में लिया उससे वो मार्क्ड प्राइस बनाता है, उनका एक कॉस्ट प्राइस रहता है, उसके ऊपर से 30% बढ़ा के मार्क्ड प्राइस लिख दिया, तो हमको स्ट्राइक हो रहा है। अगर 100 में लिया है तो वो क्या लिखेंगे, 130 रुपीस लिखेंगे, करेक्ट। देन व्हाई सेलिंग द आइटम, मार्केट प्राइस उसके ऊपर लिख के रखते हैं ना, फिर आप जाएंगे उधर खरीदने को। व्हाई सेलिंग द आइटम, जब बेचने के टाइम ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% डिस्काउंट, वो 20% डिस्काउंट दे रहे। तो द क्वेश्चन इज फाइंड हाउ मेनी परसेंट ही गेट्स मोर ऑन द डिसाइडेड प्राइस। एक्चुअली उसका एक परचेस प्राइस है, उससे कितना ज्यादा मिला, कितना परसेंट उसको रियल प्रॉफिट मिला, सिंपली स्पीकिंग। इनिशियली ऐसे देखे तो क्या लगेगा, 30% बढ़ाया, 20% डिस्काउंट दिया, मतलब उनको 10% प्रॉफिट मिला, लेकिन वैसा नहीं है। उन्होंने सेलिंग प्राइस में, वाइल सेलिंग ही गेव डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस का 20% डिस्काउंट, तो हमको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, विदाउट दैट यू विल नॉट गेट द आंसर। बट वन थिंग इज क्वाइट क्लियर टू अस, इफ इफ द शॉपकीपर डिसाइडेड द प्राइस ऑफ द आइटम, we can say it as cost price, but as your textbook is not using, I am not using, let me use the same thing what is written here, decided price.
decided price. If decided, other decided price is equal to 100, then marked price will be 30% more than that, 130, correct? 130 hoga. And what he did, 20% discount of marked price. Uske upar 20% discount kiya. So we should know the 20% of 130. Kyunki humne decide kiya, desired price is 100. 20% of 130 means 26 rupees. To kya hua? Story aisa hai. 100 rupees ka saman, 100 rupees decide kiya hua cheez, 130 rupees price tag likh ke, 20% discount karke, that means 26 rupees usme se minus kiya, to 130 minus 26, 104 rupees mein bheja. Profit hai kya loss hai? Profit hai, kitna? Profit is 4 rupees. Profit is 4 rupees. Kitne mein? Per 100. To wahi to profit percent hai. Aur humko pucha kya hai? How many percent he gets more on the decider price? Wahi to pucha hai. Okay. Percent profit kitna hai. Lekin there is a condition. Here is a question is having a condition that what is the person more he get on the decider price. This person more is nothing but his profit. Decider price is nothing but his original cost price. Ye aap last year padha hai. So by simply equating it with or by considering 100 rupees as its decider price, we could get the concept of 4% profit is what he is getting. तो ऐसा सम ट्रिकी वे से भी हमको आंसर मिल सकता है, वही पूछा है. चलो आगे क्या कुछ है क्या देखता हूँ. If that there is one more question. On certain item a shopkeeper gives 8% discount to the customer. Still he gets 15% profit. At 8% डिस्काउंट देने के बाद भी 15% प्रॉफिट है, मतलब उन्होंने मार्क प्राइस बहुत ऊंचा करके रखा है. इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इज 1750, मार्क प्राइस कितना लिखा है 1750, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम फॉर द शॉपकीपर. अभी कॉस्ट प्राइस आ गया, वो शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस पूछ रहे. हमको क्या क्या दिया है? It is given that, what all is given? Luckily, marked price diya hai, 1750. Uske upar likha hua price hai, 1750. Discount bhi humko bola hai, 8%. 8% discount diya hai. To, actually, kitne 8% discount diya hai, to hum kya karenge? 8% डिस्काउंट के लिए हाउ मच इज एक्चुअल सेलिंग प्राइस ढूंढने जाएंगे. फॉर दैट वी शुड नो द डिस्काउंट. डिस्काउंट कितना है? टू गेट द डिस्काउंट वी शुड नो 8% ऑफ 1750, राइट? देखता हूं. 4 2 8, 5 2 10, दिस इज 3 5 15, 5 5 25, दिस इज 140. That means selling price will be 1750 minus 140, which is equal to 0 4 plus 1 5 2 1 plus 6 1 6 1 0 mein bhejenge. 1 6 1 0 will be the selling price in this case, correct? And it is given profit is 15%. Itna price mein bech ke bhi profit is 15%. That means if the cost price was 100, he will be selling it at 115.
Now we don't know the cost price, which is X, but we know the selling price is equal to 1610. So we can equate this simply. How we can simply equate in such a way that cost price and the selling price can be equated. Let me write cost price upon selling price. Cost price is 100, selling price is 115. The same way, cost price is X and selling price is 1610. So I would write 115x is equal to cross multiplying 100 into 1610. X is equal to 100 into 1610 upon 115. This we have to solve in order to get the answer, which is nothing but the cost price. I will just try for it. These are all multiples of 5. 2 5s are 10 and 15. 3 5s are 15. Correct? Right. Here it is, 5 will be 20 times. Is there any connection between 23 and 161? Yes. 23 and 161 is having a connection. 7 times. Right. This is 70. That means the cost price is 1400 rupees. We could calculate the cost price, 1400 rupees. So my dear students, all these are connection between cost price, selling price, discount, percent of discount, market price, a concept clear ho gaya. Then rest of the things is making a ratio, making a relationship and cross multiplying and getting the answer. Those are techniques. But the concept of the chapter is about discount and commission. Discount will be just explained to you and few examples, sums are done. Further, we will be doing about commission in another video. Before that, you should be thorough about the concept of discount. Discount is given by the shopkeeper on marked price. It is always given in percentage form. And percentage means out of 100, we equate with 100 and try to get the answer for most of the questions in the exercise. So selling price is nothing but mark price minus discount. And if you have an idea about the percentage of discount, you can even calculate the discount given also. Lot of things are possible. Okay, thank you. Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.